Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. I am going to start lecture number 4 from chapter number 3. Name of the chapter is group 3A and group 4A elements. In our today's lecture, we will discuss only one topic, that is chemical properties of borax. Borax is a compound of boron having formula Na2B4O7.10H2O, and its structural formula is like this. So let's start our today's lecture. Borax is a white crystalline solid. It is sparingly soluble in cold water but is more soluble in hot water. It means ke agar pani thanda hai to borax pani mein kam dissolve hota hai. Sparingly soluble ka word yahan pe use kiya gaya hai. Sparingly soluble ka matlab hota hai bahut kam ya thoda hal hota hai. Jab pani ka temperature kam hoga ya pani thanda hai to borax bahut kam quantity mein dissolve hota hai water mein. Lekin jo hi pani ke temperature ko increase kiya jata hai to solubility of borax increase kar jati hai. Is cheez ka andaaza hum is cheez se laga sakte hain agar hum ise read karein ke agar hamare paas 100 grams of water hai to 100 grams of water सिर्फ 3 ग्राम्स ऑफ बोरेक्स को डिसॉल्व करेंगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे. लेकिन जो ही टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएगा उस सूरत में सॉल्युबिलिटी बोरेक्स की इंक्रीज करके 3 ग्राम से 99.3 ग्राम तक पहुंच जाएगी. इस चीज से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी बोरेक्स की वाटर में किस हद तक विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज करती है. अब ये केमिकल इक्वेशन है, इसमें आप देखें दिस इज बोरेक्स, दिस इज वाटर. अगर हम बोरेक्स को पानी में डिजोल्व करें तो ये रिएक्शन होता है, यानी हाइड्रोलिसिस होती है और उसके बाद एंड पे हमारे पास अल्कलाइन सोल्यूशन आता है. ये एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है जबकि दिस इज वीक एसिड, ये बहुत कम आयोनाइज होगा. मोस्टली सोल्यूशन हमारा ज़्यादातर क्या होगा, अल्कलाइन ही होगा. लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हाइड्रोलिसिस ना हो उस सूरत में हाइड्रोलिसिस को अवॉइड करने के लिए हम थोड़ी सी ग्लाइसरीन डालते हैं. द हाइड्रोलिसिस इज प्रिवेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसरीन. अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेंटाहाइड्रेट बोरेक्स और डेकाहाइड्रेट बोरेक्स. अब पेंटाहाइड्रेट बोरेक्स जैसा कि नाम से नजर आ रहा है, दिस इज पेंटा, पेंटा मीन फाइव, हाइड्रेट मीन फाइव वाटर मॉलिक्यूल्स. बोरेक्स का आपको पता ही है, पेंटाहाइड्रेट बोरेक्स मीन सच बोरेक्स विद इट फाइव वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच. फॉर एग्जाम्पल Na2B4O7.5H2O. अब ये किस तरह से बनता है, जैसे कि हम पहले पढ़ रहे थे कि हमने डिसॉल्व किया बोरेक्स को वाटर में, हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ गया. जब हम इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अलाउ करेंगे कि ये कूल करे तो ये क्रिस्टलाइज करेगा. डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर पेंटाहाइड्रेट क्रिस्टल्स ऑफ बोरेक्स और डेकाहाइड्रेट क्रिस्टल्स ऑफ बोरेक्स बनती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम 62 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज करेंगे तो हमारे पास पेंटाहाइड्रेट बोरेक्स बनेगा, और अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो फिर हमारे पास डेकाहाइड्रेट बनेगा बोरेक्स. अगर हम पेंटाहाइड्रेट को देखें तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अबव 62 डिग्री सेंटीग्रेड ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स बनेंगी, और किस चीज़ की बनेंगी, वो पेंटाहाइड्रेट की बनेंगी. अब यहाँ पे देखें ये स्ट्रक्चर है, दिस इज बोरिक्स स्ट्रक्चर बेसिक, और ये फाइव वाटर मॉलिक्यूल्स 1, 2, 3, 4 और 5. और ये उस वक्त इस किस्म का स्ट्रक्चर बनता है जब टेम्परेचर 62 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव होता है. लेकिन अगर हम टेम्परेचर को 62 से बिलो कर देंगे तो डेकाहाइड्रेट बोरेक्स बनेगा. अब डेका जैसे कि नाम से जाहिर है, डेका मीन 10, हाइड्रेट मीन वाटर मॉलिक्यूल, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड विद बोरेक्स. अब इफ द टेम्परेचर इज बिलो 62 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर हमने का, अब हम फिर क्रिस्टलाइज आउट करने लगे हैं, लेकिन ये हमने 62 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे करना है, इस सूरत में जो हमारे पास बोरेक्स आएगा वो डेकाहाइड्रेट फॉर्म में होगा. इसका फार्मूला है Na2B4O7.10H2O, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं जैसे कि यहाँ देखें, ये बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये बोरेक्स का, और ये अगर आप काउंट करें तो ये 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो अपने आप को यहाँ पे एडजस्ट करते हैं इसकी क्रिस्टल में. तो पेंटाहाइड्रेट और डेकाहाइड्रेट बोरेक्स हासिल करते हैं हम फ्रॉम सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स. लेकिन सिर्फ टेम्परेचर के फर्क करने की वजह से हमें समटाइम पेंटाहाइड्रेट बोरेक्स भी मिलता है और फिर हम डेकाहाइड्रेट बोरेक्स की क्रिस्टल भी हासिल कर सकते हैं. नाउ वी मूव टू द सेकंड पॉइंट, के अफेक्ट ऑफ हीट.
बोरेक्स को जब हम हीट करते हैं तो ये किस तरह से अपनी फेस चेंज करता है। जब हम बोरेक्स को हीट करते हैं तो जाहिर है इसके अंदर वाटर है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं तो ये स्वेल करता है और ये पोरस मैस बनाता है, ग्लासी मैस बनाता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखें, ये इक्वेशन है, दिस इज बोरेक्स, डेकाहाइड्रेट बोरेक्स है, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। इस सिंबल का मतलब होता है इसको हीट करना, इसको हीट किया, अब ये सिंपल बोरेक्स एनहाइड्रस फॉर्म में हमारे पास आ गया और इसके अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल थे ये निकल गए। साथ ही हमारे पास ये सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड, ये दो और भी केमिकल हमारे पास कंपाउंड्स हैं जो कि इस रिएक्शन में हासिल होते हैं जब हम बोरेक्स को हीट अप करते हैं। जब हम इसे फर्दर हीट करें, फॉर एग्जाम्पल हमने इसे हीट किया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो गया, निकल गया और हमारे पास कुछ केमिकल कंपाउंड बने जैसे कि हमने इसे प्रीवियस स्लाइड में देखा। हमारे पास वो सोडियम मेटाबोरेट बना और बोरिक एनहाइड्राइड बना। अब हम इसको मजीद हीट कर रहे हैं। ऑन फर्दर हीटिंग वाइट पोरस मैस मेल्ट इंटू अ क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक बीट विच इज मिक्सचर ऑफ सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड। हमने इक्वेशन में देखा कि सोडियम मेटाबोरेट भी बना और बोरिक एनहाइड्राइड भी बना। अब जो ग्लासी, यहाँ पे ग्लासी लाइक बीट बनती है, दैट इज लाइक दिस, इस तरह से बनती है। और जब हम बोरेक्स बीट टेस्ट अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वहाँ पे ये सारा प्रोसेस मजीद क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से बोरेक्स बीट हम टेस्ट करते हैं और इसकी केमिस्ट्री क्या है और किस तरह से ये रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे ग्लास लाइक बीट बना है वो उसके अंदर किस किस्म के कंपाउंड्स हैं। अब ये बोरेक्स है जो कि वाटर रिमूव होने के बाद हमारे पास हासिल हुआ। जब हम इसे मजीद फर्दर हीट करेंगे, ये फर्दर ब्रेक करके सोडियम मेटाबोरेट में और बोरिक एनहाइड्राइड में बनेगा। और ये जो यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है, दिस इज इनफेक्ट केमिकली ये वाले दो कंपाउंड है। अब बोरिक एनहाइड्राइड B2O3 बना है। बोरिक एनहाइड्राइड डिजॉल्व्स मैनी मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्मिंग कलर्ड बीड्स ऑफ मेटाबोरेट्स ऑफ मेटल्स। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो बोरिक एनहाइड्राइड बना ये रिएक्ट करता है किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। अब मेटेलिक ऑक्साइड कहाँ से आएगा? जैसे मैंने आपको कॉलेज में सॉल्ट एनालिसिस के प्रैक्टिकल्स कराए हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं और हम उसको एनालाइज करते हैं, उसका बेसिक रेडिकल कौन सा है और उसका एसिडिक रेडिकल कौन सा है। तो केमिकल रिएक्शन हम करते हैं उनमें, एक है बोरेक्स बीट टेस्ट, एक हम ये वाला टेस्ट भी करते हैं। तो जो मेटल हम देखना चाहते हैं कि एक सॉल्ट है उसके अंदर मेटल आयन कौन सा है, वो सॉल्ट को हम इसमें यूज़ करते हैं और उस सॉल्ट के अंदर जो हमारे पास रेडिकल होता है जिसको हम कहते हैं कि बेसिक रेडिकल यानी दैट इज मेटेलिक रेडिकल, उसका ऑक्साइड बनता है और वो ऑक्साइड रिएक्ट करता है विद बोरिक एनहाइड्राइड के साथ और हमारे पास एक कलर्ड बीट जो है वो हासिल होती है। यानी आप हम यूँ कह सकते हैं कि बेसिक रेडिकल्स जो कि मेटल्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ये टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। दिस रिएक्शन फॉर्म द बेसिस ऑफ बोरेक्स बीट टेस्ट। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर कर लें कि हमारे पास कॉपर सॉल्ट था, हमारे पास ऐसा सॉल्ट था जिसका बेसिक रेडिकल कॉपर है, तो जब ऑक्साइड इसे हीट करेंगे तो इसका ऑक्साइड बनेगा, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। ये रिएक्ट करेगा बोरिक एनहाइड्राइड के साथ और हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा, ये बनेगा कलर्ड बीड की फॉर्म में। इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास कौन सा बेसिक रेडिकल जो है वो प्रेजेंट है। इसका थर्ड पॉइंट ये है कि एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट विद HClRH2SO4 टू फॉर्म बोरिक एसिड। अब ये सिंपल एक इक्वेशन देख लें, दिस इज बोरेक्स, यहाँ पे स्मॉल ए आना चाहिए, एन ए सिंबल, जाहिर है जब हम एक एलिमेंट की लिखते हैं तो उसके एक मेथड है कि पहला कैपिटल है तो दूसरा हम स्मॉल लिखेंगे, ये गलती से यहाँ कैपिटल ए लिखा गया, Na2B4O7। इसको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ये एसिड है तो हमारे पास NaCl बनता है और साथ ही बोरिक एसिड बना। इसी तरह ये सेकेंड रिएक्शन है जब हमारे पास बोरेक्स है, इसमें भी सेम मिस्टेक है, यहाँ स्मॉल ए आएगा। जब इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास अगेन बोरिक एसिड जो है ये बनता है। ये सिंपल एक केमिकल इक्वेशन है। अब इसका फोर्थ पॉइंट ये है कि जब बोरिक्स को हम हीट करते हैं अमोनियम क्लोराइड के साथ तो बोरोन नाइट्राइड प्रोड्यूस होता है। केमिकल इक्वेशन देख लें, ये बोरिक्स है, दिस इज अमोनियम क्लोराइड, इसको रिएक्ट करवाएं अमोनियम क्लोराइड के साथ तो हमारे पास बोरोन नाइट्राइड बनेगा। ये बोरोन नाइट्राइड, बाकी कंपाउंड और भी बने लेकिन बोरोन नाइट्राइड प्रोड्यूस होता है इस केमिकल रिएक्शन में। फिफ्थ पॉइंट इज बोरेक्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट आयोनाइजेस। अब यहाँ पे केमिकल इक्वेशन है,
दिस इज बोरेक्स। जब इसको हम डिसॉल्व करेंगे पानी में तो ये अपने आयंस में चेंज हो जाएगा। एक आयन है सोडियम आयन और दूसरा B4O7-2। ये दो तरह के आयंस हैं जो कि बोरेक्स को डिसॉल्व करने से बनते हैं। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ B4O7-2 अकर्स एज फॉलो। अब हाइड्रोलिसिस किस तरह से इस की होगी स्पीशी की, दिस इज B4O7-2 वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ये बना रहा है हमारे पास H3BO3 बना रहा है और साथ ही हमारे पास बन रहा है ये OH आयन, हाइड्रोक्सल आयन हमारे पास बनते हैं। अब OH जो है, जो पीछे आपने इक्वेशन देखी उसमें OH नेगेटिव आयन बने, वो स्ट्रॉन्ग अल्कली बनाते हैं जो कि विच इज स्ट्रॉन्ग अल्कली इज फॉर्म्ड विच इज हाईली आयोनाइज्ड। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो बोरेक्स का हमारे पास सोल्यूशन आता है वाटर में, दैट इज अल्कलाइन इन नेचर। ऑन द अदर हैंड बोरिक एसिड दैट इज H3BO3 इज आयोनाइज्ड टू अ लिटल एक्सटेंट बिकॉज इट इज अ वीक एसिड, हैंस सोल्यूशन ऑफ बोरिक्स एज अ होल इज अल्कलाइन इन नेचर। ये मैंने आपको पहले लेक्चर शुरू होते ही बताया था कि जो हमारे पास बोरिक एसिड बनता है वो साथ ही NaOH बनता है, तो अल्कलाइन सोल्यूशन बनता है हमारे पास। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन क्या है, ये है कि ये जो एसिड है ये बहुत वीक एसिड है, ये आयोनाइज ही नहीं होता, अगर होता है तो बहुत कम एक्सटेंट तक। सो बेटा आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।